बिहार में नक्सली हमले में शहीद हुए कोबरा बटालियन के शहीद हुए जवानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं शहीद जवानों के परिवार वालों को उनके पार्थिव शरीर दिए गए, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बिहार के औरंगाबाद जिले में करीब 200 नक्सलियों के सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 10 कमांडो शहीद हो गए, 5 जख्मी हुए। 2008 में बनाए गए कोबरा बटालियन के लिए अब तक का सबसे बड़ा नुकसान है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने घटना को लेकर दुख व्यक्त किया। शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के साथ साथ केंद्र सरकार ने परिजनों को 25-25 लाख रुपये, जबकि बिहार सरकार ने 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 AK-47 इंसास राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर बरामद हुए। मैं उनको शहीद मानता हूं और मुख्यतः सीआरपीएफ के जवान हैं, सबको राज्य सरकार की तरफ से भी उनके परिजनों को पर्याप्त हम लोग सहायता भी देंगे। और इस पूरे मामले को देखा गया है और ये जो कुछ भी काम कर रहे थे, जो उनकी ड्यूटी थी उस सिलसिले में कर रहे थे, लेकिन बड़े पैमाने पर लैंड माइंस वहाँ पर बिछा हुआ था, वो पहाड़ी इलाका पड़ता है और उसके कुछ दूर पहले तक तो पुलिस टिकट वगैरह भी है, लेकिन ये उसके आगे का मसला है, ये पहाड़ी इलाका है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इस नक्सली हमले में कौन कौन से जवान शहीद हुए। सभी शहीद कमांडो कोबरा बटालियन के थे। शहीद होने वाले जवानों में बिहार के 3 जवान थे, जिसमें बक्स कैट कांस्टेबल अनिल कुमार, खगड़िया के दिवाकर कुमार, सिवान के रवि कुमार शामिल, जबकि यूपी के 2 जवान मुजफ्फरनगर के हरविंदर पवार और आजमगढ़ के सिनोद कुमार शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के 2, मध्य प्रदेश और मणिपुर के 1-1 जवान इस हमले में शहीद हुए। बिहार सरकार ने शहीद जवानों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। NIA की चार्शीट में IS के खिलाफ बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ISIS इराक और सीरिया के तर्ज पर भारत में भी नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में है। NIA के सूत्रों के मुताबिक हाल ही में गिरफ्तार ISIS मॉड्यूल के दहशत फैलाने के लिए नक्सलियों से भी संपर्क साधा। ISIS आतंकी अफगानी तालिबानी की तर्ज पर भारत में सूरा काउंसिल बना रहे थे। इसके लिए देश की 9 जगहों पर मीटिंग की गई। ID से लेकर 1-47 तक के इस्तेमाल के लिए अलग अलग मॉड्यूल को जिम्मेदारी सौंपी गई। आतंकियों के बीच चैट से इस बात का खुलासा हुआ। IS आतंकियों ने भारत के लिए जुनूब उल खलीफा अल हिंद बनाया, जो IS के लिए हिंदुस्तान में रहकर काम करता था। लगातार बारिश से देश के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। यूपी उत्तराखंड समेत कई दूसरे इलाकों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश के बाद यूपी की कई नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते नदियों के किनारे बसे गांव के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। देश के कई इलाके इन दिनों भारी बारिश से बेहाल हैं। लगातार हो रही बारिश ने यूपी और उत्तराखंड समेत दूसरे कई इलाकों में भी बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। उत्तरकाशी में फंसे लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे नदी पूरी सड़क बहा ले गई और इस उफनती नदी के ऊपर से लोगों को रस्सी के सहारे पार पहुंचाया जा रहा है। एक एक कर यात्रियों को नदी पार कराई जा रही है। रस्सी का ये पुल बेहद खतरनाक है, जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। यूपी के बलरामपुर में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। 1 दर्जन से ज्यादा गांव पानी से घिर गए हैं। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
यूपी के गोंडा की तस्वीरें देखिए। हर साल की तरह इस साल भी घाघरा और सरयू नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते नदियां उफान पर हैं और तमाम गांवों में खतरा मंडराने लगा है, जिसके चलते लोगों के पलायन की स्थितियां बन रही हैं। जिले में बाढ़ से 157 गांव प्रभावित हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है और खतरे के निशान से लगभग 63 सेंटीमीटर के ऊपर घाघरा नदी बह रही है। फिरोजाबाद में लगातार बारिश की वजह से गल्ला मंडी में 2 से 3 फीट पानी भर गया है। गल्ला मंडी में पानी भरने से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। गल्ला मंडी में ड्रेनेज की सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से दुकानों में पानी भर गया और अनाज के बोरे पानी में डूब गए।